वार्ड नंबर 18 के डिपो को खराब गेहूं वितरित करने पर सीएम फ्लाइंग द्वारा सील कर दिया गया है। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि अन्न महोत्सव वाले दिन डिपो होल्डर द्वारा ग्राहकों को खराब मिट्टी मिली गेहूं वितरित की गई थी, जिसकी सूचना विभाग को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए डिपो को सील कर दिया गया और खराब गेहूं को अपने कब्जे में ले लिया गया। 10 तारीख को भी इसमें पीछे गंदा जो गेहूं थी वो गंदी थी, लोगों ने लेने से मना कर दिया कि ये तो पशुए खाने के लायक। और आज भी फोन आया था कि अगर चेक करो तो गंदा माल मिलेगा। मैंने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सुभाष है और साथ में इनके सब इंस्पेक्टर है, नाम मुझे ध्यान नहीं इसका, संदीप, इनको साथ लेकर के रेड करी और 3-4 कट्टे इसमें रेड थी गेहूं है। और गेहूं ये इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि देखने में ठीक है, फिर भी इंस्पेक्टर साहब ने इनके 3 सैंपल ले लिए है। वहीं सीएम फ्लाइंग ने ग्राहकों को दूसरे डिपो होल्डर के साथ जोड़ दिया था कि उन्हें गेहूं मिलता रहे।